कदम पर गुंडा गर्द नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों में से शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बच्चों में से शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बच्चों में से शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बच्चों में से शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आपका नाम? जी मेरा नाम रोहित कुमार वर्मा है, मैं LBS का छात्र हूँ, BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो एक्चुअली कल हुआ ये कि कुछ लड़कों ने आपस में मारपीट कर ली और इसके चलते LBS बिरला दो हॉस्टल आपस में लड़ पड़े और फिर पुलिस प्रशासन आई, अंदर आई और एक एक लड़के को निकाल कर मारा। जो दिव्यांग थे उनको भी मारा, फिजिकल हैंडीकैप, गूंगे, लंगड़े, जो सबको मारा। मास्टर्स के सीनियर्स को और PhD के सीनियर्स को सबको गालियाँ, अभद्र गालियाँ देते हुए मारा। और इसके बाद जो है, जब ऐसा अति हो गया उन लोगों का, तो हम लोग बाहर निकले कि चलिए ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात अब प्रशासन तक पहुंचाई जाए। तो वहाँ पे वीडियो आप उसका सामने आया हुआ है। हम लोग शांति से बैठे हुए थे, सभी लोग आए, वो लोग दौड़ते हुए घेरा पहले और उसके बाद पकड़ के घसीट घसीट कर वहाँ पर मारा। किसी का सर टूटा फूटा, हड्डी टूट गई एक लड़के की, और बहुत ज़्यादा वो लोगों ने किया। इसके बाद से अभी तक ये देखिए धरना यहाँ पर चल रहा है और हॉस्टल भी खाली करा लिया गया है और दो हॉस्टल का, एक हॉस्टल पर केवल कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके मामले हैं, 15 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और उनकी लोकेशन तक नहीं पता चल रही कि कहाँ ले गए हैं। पहले पता चला कि अमंडवाड़ी स्टेशन ले गए हैं और उसके बाद से कहीं भी घूमा जा रहा है, लेकिन कहीं भी उनकी लोकेशन नहीं पता चल रही है। और जबकि दिन की बात है, दिन में एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, कोई भी स्टूडेंट बाहर का चलिए किसी न किसी काम से आ जाता है। आप गिरफ्तार करके लेकर गए हैं और ये भी नहीं पता चल रहा है, और उनके साथ ना जाने अभी क्या कर रहे होंगे।